मॉर्निंग राइट। आज हम लोग थ्री क्लास में है ना टाइम के बारे में पढ़ेंगे। टाइम मीन्स क्या होता है? समय। टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? समय। तो समय को हम लोग सबसे पहले सेकंड में नापते हैं। किस में नापते हैं? सेकंड के बाद मिनट और मिनट के बाद घंटा है ना। तो एक मिनट में कितना सेकंड होता है? एक मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60। अब है कि 1 मिनट हो गया, अब है 1 आवर। 1 आवर एक घंटा है ना। तो 1 आवर में कितना मिनट होगा? 60 मिनट होगा। कितना होगा? 60 मिनट होता है ना। और 1 आवर में 60 मिनट। और मिनट के बाद हम चलते हैं आवर। एक आवर हो गया। अब आवर को हम अब दिन में हम बदलते हैं। इसमें दिन में तो एक दिन में कितना घंटा होता है? 24। 1 days बराबर 10 आवर। कितना आवर होगा? 24 आवर होगा। इसमें से जो है 24 में से जो है ये क्या है 12 घंटे का 12 आवर का क्या होता है? डे होता है। क्या होता है? डे। और 12 आवर का क्या होता है? नाइट होता है। क्या होता है? नाइट होता है। तो ये 12 और ये 12 मिलके क्या हो जाता है? 24 आवर है ना। यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है ना। तो ये 12 घंटे मिला के क्या हो गया? 24 आवर्स। और 24 आवर्स इक्वल टू हो गया 1 days मेरा है ना। अब 1 days अब डे को हम लेते हैं। क्या चीज को लेते हैं? डे दिन। अब है कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है? एक 1 week इक्वल टू कितना डेज होगा? 1 week इक्वल टू 10 days। कितना डेज होगा? 31 होगा कि 7 होगा? 7। कितना होगा? 7 days होगा। 1 week इक्वल टू 7 days। अभी हम यहाँ पढ़े थे 1 days में कितना होता है? 24 आवर्स होता है ना। तो डे मिला करके क्या होता है? एक वीक बनता है। क्या बनता है? सप्ताह बनता है ना। तो सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे पढ़ते हैं ना, ये 7 days होते हैं ना। और वीक मिल करके है ना, कई एक वीक को हम जब मिलाते हैं तो वीक को मिलाने के बाद क्या बनता है? वो एक मंथ बनता है। क्या बनता है? एक मंथ। मंथ बनता है। तो 1 month इज इक्वल टू कितना डेज होगा? इसमें 1 महीने में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। कितना होता है? 30। 30 या 31 डेज होगा है ना। 29 भी होता है। 29 और 28 भी होता है फरवरी में। फरवरी में ये 29 और 28 का भी दिन होता है ना। तो कब 28 होता है कब 29 वो आगे बताएंगे, लेकिन अधिकतर 30 और 31 डेज होता है का दिन ही मंथ होता है ना। आप देखिए कि 29 और 28 कब होता है ना। फरवरी जो होता है वो 28 का भी होता है और
9 का भी होता है, है ना। तो इसमें जो है 28 का कब होगा और 29 का कब होगा, जो साल जो है ना, जैसे अभी कितना जा रहा है 2021 है, तो ये 2021 जो है इसको 4 से डिवाइड करके देखिए, कितना से डिवाइड करना है, 4 से, है ना। जब ये 4 से पूर्ण रूपेण ये डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो हमारा जो फरवरी जो है वो कितना का होगा, 28 का होगा, है ना। और जब ये पूर्ण रूपेण डिवाइड नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, 29 का होगा, है ना। वो एक दिन बढ़ जाता है, जिसको हम लोग इसको क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, है ना। उसमें जो है सो साल जो मेरा है लीप ईयर में 366 दिन का होता है साल, कितने दिन का होता है, 366। हाँ, और इसमें जो होता है, जो इसमें 28 दिन का होता है फरवरी, उसमें 365 का होता है, कितना का होता है, 365 दिन का साल।